जिला यमुनानगर से एक बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। यमुनानगर के थंबड़ियों का माजरा गांव के सरकारी राशन डिपो पर बड़ा गोलमाल सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि जुलाई के राशन के लिए 31 जुलाई को देर रात गांव में जाकर डिपो धारक ने मशीन पर लोगों से अंगूठे लगवाए और जब इसकी भनक विभाग को लगी तो दो दिन बाद उसने किसी को गेहूँ तो किसी को आटा बांट दिया, जिसके बाद अधिकारी ने जब मौके पर पहुंचे तो इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा भले ही हरियाणा सरकार करती आई हो, लेकिन बावजूद इसके सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा खुलासा हुआ है यमुनानगर के थंबड़ियों का माजरा गांव से, जहां ग्रामीणों ने बताया कि जुलाई के राशन के लिए 31 जुलाई को देर शाम करीब 10 बजे डिपो धारक ने घर घर जाकर लोगों से अंगूठे तो लगवा लिए, लेकिन जब उन्होंने अपना राशन मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया। जब शिकायत की बात हुई तो 2 अगस्त को उसने जुलाई का राशन दिया, लेकिन उसमें भी बड़ा गोलमाल कर दिया। उसने लोगों से अंगूठे लगवाकर किसी को गेहूं तो किसी को आटा दिया और मशीन में गेहूं और आटा दोनों चढ़ा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी जनवरी महीने में वह इसी तरह की गड़बड़ी कर चुका है। वहीं पर जब इस बारे में डिपो धारक से बातचीत की तो उसका कहना है कि यह लोग तो साफ झूठ बोल रहे हैं। हालांकि उसने माना कि उसने अंगूठे लगवाने के 2 दिन बाद राशन बांटा था, लेकिन वह अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कहने लगा। उसकी मजबूरी थी कि उसने देर रात अंगूठे लगवाए, 2 दिन के बाद राशन बांटा। आप खुद ही सुनिए उसी की जबानी। वहीं गांव में जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार कई तरह की गड़बड़ी पाई गई है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजकर इसके खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बात करें तो अक्सर डिपो धारकों के इसी तरह के कारनामे सामने आते रहते हैं, लेकिन सवाल यह बड़ा है कि क्या यह अपने भलभूते पर इस तरह की गड़बड़ी कर जाते हैं। कहीं ना कहीं यह संदेह जरूर रहता है कि शायद यह लोग फूड सप्लाई विभाग की शय पर इस भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको जिला यमुनानगर के थंबड़िया माजरा गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर डिपो धारक का एक बड़ा गोलमाल सामने आया है। जी हां, जुलाई से पहले जनवरी में भी इस तरह की गड़बड़ी डिपो धारक द्वारा की जा चुकी है। डिपो धारक से जब उच्च अधिकारियों ने बातचीत की तो उसने बोला कि ग्रामीण उसके ऊपर झूठा ब्लेम कर रहे हैं। नमस्कार, एक जरूरी अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार भले ही हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लाख दावे जताता हो, लेकिन आज भी अगर सरकारी विभागों की हम बात करें तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जी हां, जिला यमुनानगर के थंबड़िया माजरा गांव से एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डिपो धारक ने 31 जुलाई को घर घर जाकर लोगों से राशन के नाम पर अंगूठे लगवाए और उसके बाद जब ग्रामीणों ने राशन मांगा तो डिपो धारक ने साफ इनकार कर दिया। इस बारे में ग्रामीणों ने जगह जगह शिकायतें दी और इसी शिकायत के आधार पर डिपो धारक ने ग्रामीणों को राशन तो दिया, लेकिन किसी को आटा और किसी को गेहूं दिया, लेकिन सिस्टम में, जी हां, मशीन में गेहूं और आटा दोनों दिखाया। तो आप देख सकते हैं बड़ा गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आपको क्या लगता है कि क्या डिपो धारक अपने बलबूते पर इस तरह के कार्य कर रहा है? कहीं ना कहीं संदेह होता है कि फूड सप्लाई विभाग की शह पर इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। तो आगे के लिए अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस डिपो धारक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और साथ ही साथ जानते हैं कि डिपो धारक का इस पर क्या कहना है। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए अपील है आप सभी से, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर भी हमारे साथ लाइव बने रहें। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जैसे डिपो धारक पे कि जो है राशन जो है सही ढंग से वितरित नहीं किया गया, कितनी सच्चाई है उसमें? ऐसा है जी, कुछ सच्चा कुछ झूठ है जी, झूठ वाले ज़्यादा हैं सच वाले कम हैं। क्या क्या सच्चाई क्या है, आप क्या बता रहे हैं? ये राशन जब ये लोग कहते हैं कि लेट देता है जी, तो राशन जब इकट्ठा हो जाता है मैं तब देता हूँ जी। किस डेट को आप देते हो? मतलब सपोज करो अगर 2021 तक पूरा आ जाता है तो हम 23-24 को दे देते हैं। तो आपकी बार कितना आया था, किस डेट को आया था आपकी बार आपके पास राशन? बस इसी इन्हीं डेटों में आया था, 2021 तक पूरा हो गया था। तो आपने बांटा क्यों नहीं? बस सर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, टाइम लगा। तो सर चोरी कब हो गया था? ये 25 तारीख को इंक्वायरी जो हुई है उसमें सामने आया है कि आपने रात को अंगूठे लगवाए और 3 दिन बाद आपने राशन बांटा, इसमें कितनी सच्चाई है? सर लगवाए थे 31 तारीख को रात को लगवाए था आपने? रात को भी दिन से गया था जी, क्योंकि तो टाइम नहीं था जी सर। 31 तारीख को रात को 10 बजे 9:30 बजे मशीन बंद हो जाती है जी। आपने किस टाइम? जितनों के मैं लगवा पाया उनको मैंने राशन। 31 को क्यों लगवाया सर, उससे पहले क्यों नहीं? सर उससे पहले आपको भी पता है नहीं, टाइम लगा, कभी किधर ही भाग रहा है, कोई आ रहा है या जा रहा है। तो आपने जब 31 को राशन अंगूठे लगवाने के लिए गए उस समय राशन क्यों नहीं दिया आपने?
सर उस टाइम तो मैं फिंगर ही लगवा रहा था। उससे अगले दिन भी आपने आश्वासन दिया था लोगों की एक तारीख को राशन दे देंगे, तब भी आपने सुबह राशन नहीं दिया। अगले दिन मेरे पास डेथ हो गई थी, मैं वहाँ गया। तो आपको ये तो बताया होगा डीएफएससी विभाग ने कि राशन देते वक्त ही अंगूठे लगवाए जाते हैं, आप पहले ही अंगूठे लगवाने चले गए? नहीं सर, ये तो मजबूरी थी जी, इसको मजबूरी। इतने बंदों को नहीं वितरित तो पाता हुई राशन। तो आपको, आप सरकारी काम कर रहे हो या प्राइवेट काम कर रहे हो? आपको यही जानकारी नहीं है? सरकारी काम है जी। तो यहाँ पे जो डिपो धारक है वो ऐसे ही डेली गायब रहता है यहाँ से? नहीं जी, आते हैं। अच्छा, सोमनाथ क्या मैटर है जी? ये मैटर क्या जी, ने 31 तारीख का गुंठे लगवा लिए, उसके बाद पहली 2 तारीख में राशन कहीं से मंगाया और बांट दिया, जो उनसे गांव के हैं वो अपना खाली बैठे। क्या क्या राशन बांटा? गेहूँ बांटी जी। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे रात को अंगूठे लगवाए गए? बस मेरे ख्याल का होंगे जी, मेरे ख्याल 70-80 आदमी होंगे। रात को 31 तारीख में लगवाए जी, शाम को। टाइम बनू क्या मतलब, किस टाइम लगवाए? रात को लगवाए। तो राशन नहीं दिया गया उन लोगों को? राशन तो उनको तो मिल गया जिनके गुंठे लग गए। इससे पहले भी कोई गोलमाल हुई है इसी तरह की? हाँ, वही 11 जनवरी में क्या हुआ था जी, गेहूं नहीं आई, गेहूं नहीं मिली। अच्छा, और इसने अंगूठे लगवा लिए थे आपसे? हाँ, जनवरी में अंगूठे लगवा लिए थे, गेहूं नहीं दी, गेहूं नहीं मिली। जी आपका क्या था जी, अंगूठे पहले लगवा लिए? अंगूठे पहले लगवा लिए जी, 2-3 दिन पहले लगवा लिए, और गेहूं बाद में देवा। किस टाइम लगवाए थे? महीना बंद होने के जाकर आजाद की तारीख है, मैं चलागा और अगले दिन का तो उसके बाद गेहूं देंगे। क्या क्या राशन मिला जी? आटा मिला था जी, गेहूं नहीं मिली थी। अगले महीने राशन थे वहाँ, मतलब लास्ट में 1-2 दिन देते हैं, उससे पहले नहीं लगवाते। अंगूठे पहले लगवा लेंगे जी, फिर बाद में दे या ना दे। क्या इंक्वायरी थी आज यहाँ पे? आज इसकी डिपो धारक आये रवि, क्या गाँव माजरा, थंबड़ी का माजरा, इसकी कंप्लेंट थी। इसने ना, इन्होंने एक FIR दर्ज भी कराई थी, मेरे डिपो पर चोरी होगी, तो उस वजह से इसने राशन भी नहीं बांटा लोगों को। 31 तारीख को गुंठे लगा ले, ये इंक्वायरी थी, उसकी इंक्वायरी करी है। इसने राशन तो कुछ लोगों को दिया, गुंठे किसको लगवाए, किसी को 2 को, किसी को 1 को राशन दिया। क्या ऐसे 31 तारीख को रात में गुंठे लगाना? नहीं लगा सकता, नहीं लगवा सकता ऐसे। तो इसमें जो आपने यहाँ पे किसी की जानकारी ली, आपने जो रिपोर्ट तैयार की, इसमें लोगों का क्या कहना है? हाँ, लोगों को कहना यही है, कुछ लोगों ने तो कहा हमें राशन ही नहीं मिला, और कुछ लोगों ने कहा भी हमें 31 को गुंठे लगवा लिए और राशन 2 या 3 को दिया। तो जैसे जनवरी फरवरी में भी बोला जा रहा है? हाँ, वो भी रिपोर्ट में लिख देंगे, 2-4 ने जनवरी फरवरी जनवरी में कहा भी, जनवरी में हमें जो नहीं मिली तो वो भी रिपोर्ट में दे देंगे। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई इसके विरुद्ध जो भी बनाएगी लिख देंगे DFSC साहब को।